कर्मचारी महासंघ ने दिया ज्ञापन, वेतन कटौती का लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पाली, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की सोजत शाखा के आह्वान पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतन कटौती के विरोध में ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग, विद्युत कर्मचारी विभाग, जलदाय विभाग, जमादार संघ, पंचायती राज कर्मचारी संघ आदि संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ सोजत शाखा के अध्यक्ष रघुवीर सिंह केलवाद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली वेतन कटौती में चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग को शिथिलता प्रदान की जा रही है, जो कि पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि कोरोना योद्धाओं के रूप में शिक्षकों ने और अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया है। अतः राज्य सरकार समान व्यवहार करते हुए अन्य विभागों के साथ की जा रही वेतन कटौती आदेश तुरंत निरस्त करे। इस अवसर पर रैसला शिक्षक संघ के सोजत ब्लॉक अध्यक्ष हनुवंत सिंह बारहट ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के लिए शिक्षक और कर्मचारी मार्च माह के वेतन से कटौती करवा चुके हैं, लेकिन अब महंगाई के इस दौर में पुनः वेतन कटौती कर्मचारियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक बन रही है। अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि वेतन कटौती के आदेश निरस्त करके कर्मचारियों की पीड़ा का अंत करें। इसके अतिरिक्त मार्च माह के 16 दिन का वेतन और ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य के बदले नियमानुसार उपार्जित अवकाश के आदेश अतिशीघ्र करवाए। इस अवसर पर विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र दमामी और मंत्री रमेश कुमार प्रजापत ने भी संबोधित करते हुए वेतन कटौती का पुरजोर से विरोध किया। कर्मचारी महासंघ के जिला प्रवक्ता गिरधारी सिंह सांडिया ने आए हुए सभी कर्मचारी संघों का आभार व्यक्त किया और कर्मचारियों, शिक्षकों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर व्याख्याता कालूराम माहिया, जसवंत सिंह जैतावत, ढूंढा घेवचंद मौर्य, चुनीलाल बोस, गौतम कुमार, खिव सिंह, प्रियंका मीना, ललिता शर्मा, उत्तमचंद प्रजापत, खीवराज चौहान, कानाराम गोदारा, रहमान खां, सुखदेव जांगिड़, अशफाक अहमद, रमेश छाबा, शेषाराम सहित कर्मचारी उपस्थित थे।